ग्रेनाइट फ्लोरिंग टाइप ऑफ लाइट इन बेडरूम हाउ टू डिजाइन और यूज ऑप्टिकल फाइबर लाइट थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक लेट स्टार्ट विद द विदेश नाउ फर्स्ट इज बेड बैक साइड विंडो है तो बैक साइड कैसे डिजाइन करे इसमें डिफरेंट डिज़ाइन में कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि ऐसा ही होना चाहिए दर इज नो एनी स्टैंडर्ड्स इट्स जस्ट कि वो एंथ्रो के हिसाब से चलता है बाकी द इज नो एनी स्टैंडर्ड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो इसके दो आंसर्स हैं वन कि अगर आपका एक ही विंडो है बेडरूम uh, में और उसके आगे आप बेड लगा रहे हो तो यू शुड नॉट कवर द विंडो आप कर्टन लगा दीजिए या यू गो विद द रोमन कर्टन रोमन कर्टन जब ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल कैनवास की तरह ही दिखता है यू कैन गो विद पैटर्न और प्रिंटेड कर्टन एज अ बैकग्राउंड और अगर आपका बहुत बड़ा विंडो है उसके आगे आप बेड लगा रहे हो तो आप बेड को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करके एटलीस्ट सिक्स इंचेस मूव करके उसके पीछे बहुत सा बहुत बड़ा कर्टन लगा सकते हो आइर इट विल बी इन शीयर और टेक्सचर कर्टन लगा दीजिए दैट विल वर्क एज अ बैकग्राउंड टू योर बेड साइड एंड अगर आपका बेडरूम है उसमें दो दो विंडोज़ है तो एक आप विंडो क्लोज़ कर सकते हैं तो आप बेड के पीछे वाले विंडो को स्लाइडर से क्लोज कर दिए दैट विल वर्क एज अ पैनल फॉर योर बैक बेड बैक वॉल और वो अच्छा भी दिखेगा आपके लिए सेकेंड इज़ पोर्सलिन फॉर पोर्सलिन और क्वार्ड्स विच इज़ बेटर फॉर काउंटर टॉप्स वैसे तो दोनों ही इतने अच्छे हैं कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ क्वार्ड्स बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है ईजी अवेलेबल है और उसका कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी नहीं है अगर आपको मार्बल या ऐसे कोई प्रिंट्स चाहिए तो बेटर टू गो विथ पोर्सल इन स्लैब अगर आपको यूनिफॉर्म छोटे दाने वाली प्रिंट या ऐसी कोई प्रिंट्स चाहिए यूनिफॉर्म कलर्स चाहिए तो यू शुड गो विथ क्वाड्स क्वाड्स में यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम द सी एम सी में से आप ले सकते हैं या तो आप ए जी एल का यूज़ कर सकते हैं उन दोनों के क्वाड्स बहुत अच्छे आते हैं कैन वी यूज़ ग्रेनाइट फ्लोरिंग येस यू कैन डेफिनेटली यूज़ ग्रेनाइट फ्लोरिंग बट आउटडोर में इंडोर में कैसा है कि आ, हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड लाइट होती है कंपेयर टू आउटडोर तो वहाँ पे लाइटर कलर के फ्लोर यूज़ करना ज़्यादा एडवाइजेबल है और ग्रेनाइट्स एज अ नेचुरल मटीरियल है तो उसमें डार्क कलर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और अगर लाइट कलर्स है तो वो थोड़े से पोरस रहते हैं तो बेटर कि आपको अगर ग्रेनाइट यूज़ ही करना तो आप आउटडोर में करिए आउटडोर में आप लेदर या रिवर फिनिश यूज़ कर सकते कॉम्बिनेशन के साथ ग्लोसी पीसेस भी लगा सकते इट विल लुक वेरी ब्यूटिफुल इवन यू कैन एक्सप्लोर दैट फॉर द क्लेडिंग ऑल्सो बट इंटीरियर के लिए आई वुड नॉट प्रिफर उसमें आप लाइटर कलर का कोई भी फ्लोर लगाइए इधर इट कैन बी मार्बल और अ टाइल टाइप ऑफ लाइट इन बेडरूम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन आई वुड से तो कोई भी एरिया का लाइटिंग हो इधर इट्स अ बेडरूम और अदर स्पीसेस सब में लाइटिंग शुड बी इन अ थ्री डिफरेंट फॉर्म कि आप एरिया लाइटिंग करें एम्बियंस लाइटिंग करें एंड टास्क लाइटिंग करें तो अगर बेडरूम है तो बेडरूम का एक जनरल लाइटिंग रहेगा दैट विल बी एरिया लाइटिंग जब आप ऑन करते हैं तो विल गेट अ यूनिफॉर्म लाइटिंग इन कंप्लीट एरिया देर विल बी एम्बियंस लाइटिंग जो आपका इंडरेक्ट या तो फोकस लाइट फॉर्म में रहेगा एंड देर विल बी अ टास्क लाइट जो जैसे अगर आपको बेड के ऊपर रीडिंग लाइट लगाना है तो देट विल वर्क एज अ टास्क लाइट अगर आपका कोई स्टडी डेस्क है बेडरूम में तो देट विल अगेन हैव अ टास्क लाइटिंग हाउ टू सेव टाइल फ्रॉम गेटिंग स्क्रैच और डेंट ड्यूरिंग फर्नीचर वर्क येस वॉट यू कैन डू बेस्ट इज के आप उस पर फ्लोर प्रोटेक्टर्स लगा दीजिए uh, इतना अच्छा फ्लोरिंग किया है उसके अगर फ्लोर प्रोटेक्टर्स नहीं लगाए और डायरेक्टली काम किया तो आराम से स्क्रैच हो जाएगा खराब हो जाएगा काम होते होते उसमें बहुत डीप स्क्रैचेस दिखने लगेंगे एंड बी केयरफुल कि जब भी आप फ्लोर प्रोटेक्टर्स लगा रहे हो तो उसको फ्लोर को एकदम नीट एंड क्लीन कर दीजिए अगर वहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल रह गया और आपने फ्लोर प्रोटेक्टर लगा दिया तो उसके ऊपर का जो मूवमेंट होगा ना उसके बाद वो माइल्ड स्क्रैचेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लोर प्रोटेक्टर्स लगाने से पहले कम्प्लीटली फ्लोर क्लीन कर दीजिए अदर ऑप्शन इज़ कि आप पीओपी शीट्स uh, लगा सकते हैं पीओपी शीट्स में सिर्फ इतना दिक्कत है कि जब उसको निकालना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है एन फ्लोर प्रोटेक्टर आराम से आप निकाल सकते हैं और कहीं पे अगर डैमेज भी हुआ तो आप नया शीट लगा के उसको टेप कर दीजिए काम हो गया खत्म सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिज़ाइन और यूज ऑप्टिकल फाइबर लाइट्स तो काफ़ी सारे लोगों को शायद ना पता हो तो आई से कि ऑप्टिकल फाइबर लाइट एक्जैक्टली दिखता कैसा है कि आपने कभी गूगल या प्रंट्रेस पे पिक्चर्स देखे होंगे तो यू विल गेट ऑफ कि पूरा डार्क ब्लैक सीलिंग है उसमें आपको छोटे छोटे स्टार्स जैसे डॉट्स दिखेंगे सो दैट इज फील जो आप ऑप्टिकल फाइबर सीलिंग में ले सकते हैं तो so, ऑप्टिकल फाइबर सीलिंग का यूजअल प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर से उसके जो टिप है वहाँ से लाइट जनरेट होती थी इट विल बी वेरी स्मॉल एकदम छोटा सा डॉट जैसा लाइट आपको दिखेगा इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट मटीरियल्स जो uh, हमने रिसेंटली हमारे साइट पे किया था उसमें हमने जिप्सम शीट पे किया था इट कैन बी डन ऑन वुड और आप स्ट्रेच uh, फैब्रिक जो आता है उस पर भी कर सकते हैं सो दैर इज अ सेंट्रल डिवाइस जहाँ से फाइबर्स निकलेंगे जहाँ से उसको पावर मिलेगा एंड द वन यू स्विच ऑन द लाइट्स तो आपको आपके सिलिंग में डार्क पेंट के अंदर छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइट उसमें स्टार्स वगैरह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं देर आर अदर ऑप्शन टू दैट पार्ट इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल आप डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करिएगा एंड विल क्रिएट द रील ऑन दैट फॉर योर रेफरेंस